अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे यू नो, माय नेम इज ईशान अली और आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। अभी मैं अलबैग से आ रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो आपको सारा व्लॉग दिखाऊंगा। अभी मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ फिलहाल। लुक और ये ऊपर से आ रही है और मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये ओपन होने लगी है, चेक करें कितना जदीद काम किया हुआ, पूरा वीआईपी मियां मियां मॉल है। लुक। सो आई विल ब्रांच ओके एंड अगर नीचे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है यार, बाल तो भी हैं आपको पता है। और बाकी ये होटल है जो इसके 22 फ्लोर के ऊपर मेरा जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैं उमरा के लिए आया हूँ और ये हमारी बस है, अल हदाया होटल इसका नाम है। अच्छा होटल अच्छा है, लेकिन वाया काफ़ी ज़्यादा है इसका। हरम पाक से जो वाया है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन होटल अच्छा है इसकी। मतलब सहूलियात इजाज़ है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट है और इसमें आपको हर तरह का मतलब सहूलियत मिल जाएंगी, जिसमें आपको खाने की सहूलियात हैं। इसका 23 फ्लोर है जिसमें आपको हर तरह की सहूलियत है। उसमें एक फ्लोर रेस्टोरेंट का भी है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, आपको हर किस्म का खाना मिल सकता है। और यहाँ पे आप चेक करें जो टैक्सी, हम पाकिस्तान में 2-2 करोड़ की गाड़ी इन्होंने टैक्सी बनाया हुआ उसको। और अभी मैं खाना तलाश करने जा रहा हूँ, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है मुझे, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं ऑन द वे हैं और अभी खाना तलाश करने जा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा वीआईपी माहौल है यहाँ पे, साफ सुथरे रोड है कुछ आधा। और चेक करें ये देखें कितने कितने ऊँचे होटल हैं, ये सारे होटल अलहदा है। आप भी ट्राई करें, लेकिन ये है कि दूर है, वाया है इसका, लेकिन कीप इंजॉय ब्रो, इंजॉय करने आए हैं। बाकी हवा चल रही है, जो सऊदी अरब के बारे में लोगों का गुमान है, यहाँ पे मतलब गर्मी है, वो सीनी हुआ अलहमदिल्ला, किस तरह के बेहतरीन है, बहुत साफ सुथरा है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छा वीआईपी सीन है। बाकी अभी हम अलबैग जा रहे हैं, आपको पता है आई हैव ऑल जैसा कि बोल दी, आई एम गोइंग टू बैक अलबैग राइस रूम एंड दिस इज आइस रूमा फ्राम देखते हैं कहाँ की है। दिस इज किस कार फॉर आइस रूमा एंड दिस इज रोमानिया। लुक, ये रोमानिया का बंदा है, ये उसकी है। और वहाँ वो होटल है, वहाँ से हम ना खाना लेके जाते हैं, लेकिन अभी हम अलबैग के लिए गाड़ी तलाश कर रहे हैं। सो आई विल चेक अबाउट कितने देर बाद गाइस अलबैग से आ रहे हैं हम, ये ऑन द वे गाड़ी में बैठे हुए हैं, 16 मिनट और अभी हम अलबैग जा रहे हैं। भी हमारे पास गाड़ी किसी के पास होती है, तो वो तो जिसमें ये बड़ी बात है, कोई किसी के पास गाड़ी हो तो वो तो पता नहीं क्या आपको समझता, यहाँ तो ऐसे ही चला है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह का शुक्र है, जितना भी है हम अल्लाह की जात से खुश हैं, जैसे भी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, ठीक है। परदेश में बच्चों से दूर है बस इतनी, ये लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सर आप 24 साल में मतलब फैमिली को नहीं लेके आए? नहीं, फैमिली दो मसले, अम्मी अबू भी आए थे, हम भाई थे, सारे इकट्ठे थे, हम देहाती लोग हैं, हमारा निज़ाम और आपका शहर का निज़ाम और हमारा भी देहाती है, हमारा भी उस तरह का है। तो एक बात ये की हम पहले भाई सारे इकट्ठे थे, साथी का इलाज का बहुत रेमियर कराती हूँ। मेरे मामू थे इधर गाड़ी चलाते थे पहले, देखिए यहाँ पे इशारा लगा हुआ है, गाड़ी रोक दी है। यहाँ क्रॉस करने का 3000 रुपया
ये क्रॉस करने लेकिन पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में हो तो वहाँ पे सवा 2 लाख वो माफी नहीं है उसकी वो देने दे करो अभी पता नहीं एक मुखालफा आया हुआ है कंप्यूटर पता नहीं के वो भी मेरे ऊपर आया हुआ है पता नहीं अभी कल मेरे छाया किस चीज़ का मेरे फिर ये जो है फोटो निकालने वाला है सर मैं भी आया जल बैग मैंने पता मेरा दिल का था वैसे मैं आ गया मैं जा आ गया जल बैग आया आज लुक लुक मैन लुक खाली पड़ते थे हाँ साथ में टोटल कोई आप कह लें 87 14 14 94 95 रुपया कम से कम आप घर से 8,000 रुपये का ही है 8,000 हम इसको भारी लग रहे मुझे भारी पैकेज वाले लगे हैं 120 दिरहम मेरे पास दिरहम थे उस दिरहम दिए हैं मैंने ये इस बंदे का मजबूरी थी पैकेज नहीं था मैंने इसको तलाश करना था आगे पीछे हो गए हैं तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं मैंने कहा ये मुझे तलाश कर रहे हैं मैंने इनको तलाश करना है इस वजह से मैंने अपना पैकेज लगवाया मेरे पास दिरहम थे मैं दिरहम दिए उसको मैंने दुबई का मेरे पास पड़े हुए थे तकरीबन मेरे पास 200-300 दिरहम पड़ा हुआ है तो अभी भी मेरे पास दिरहम है तो कह रहा सेम है कह रहा यहाँ पे कह रहा चल जाएंगे ये वाले मैं चल सही कोई मसला नहीं है इधर 10 रियाल भी मेरे को मिले किराए में मैंने वो पेट्रोल वाले को दिए दिरहम भी यूज हो जाते हैं यहाँ हो गया हो जाते ठीक हो गया क्यों वहाँ पे दिरहम यहाँ बराबर ठीक हो आओ कह रहा बराबर है ये नहीं होगा मतलब वो दिरहम है क्या सीन है 2-3 रुपए का फर्क होगा मेरे ख्याल में 100 में 2-3 रुपए का फर्क है अगर 100 दिरहम देते हो हाँ जी तो फिर यहाँ से 100 के ऊपर आपको 100 या 1 या 2-4 रुपए